हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास का जो है एससीईआरटी की किताबें हैं 7th क्लास की, जो आप यहां देख सकते हैं एससीईआरटी की किताबें हो जाता है 7th क्लास का कक्षा, आप 7th यहां देख सकते हैं। और ये भाग 2 हो जाएगा हमारी दुनिया समग्र शिक्षा अभियान की किताबें हैं, और ख़ास करके हम लोग एक रिविज़न ही करेंगे। और रिवीजन अभी के समय में अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, इसमें किसी भी चीज़ को जो नया है आपके लिए उसे मत पढ़ा करिए, जो आपने पढ़ा है उसी का रिवीजन बार बार करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगाइए। यही सब चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा करेगा। अभी का जो टाइम है बिल्कुल अभी के समय में, तो वही हम लोग रिवीजन क्लास ही कर रहे हैं और रिवीजन के तौर पर हम लोग देखते हैं और कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को ख़त्म करें। तो ज्योग्राफी है हमारा, और ज्योग्राफी से बहुत सारा सवाल जो है पूछे जाते हैं आपके बीपीएससी टीचर के एग्ज़ाम में और बीपीएससी में भी। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं समग्र शिक्षा अभियान की जो किताबें हैं हमारी दुनिया। हमारी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं और यहाँ फैक्ट जो कलेक्ट किया गया है ख़ास करके बीपीएससी पीटी के लिए और आपके शिक्षक 3.0 के लिए 4.0 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। हमारा जो पहला अध्याय हो जाएगा हम लोग का पृथ्वी के अंदर ताक झांक। आप देख सकते हैं पृथ्वी के अंदर जो ताक झांक है हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से जो भी फैक्ट और जो भी मैटर बना हुआ है उस चीज़ को देखना। तो हम लोग जैसे देखेंगे पृथ्वी के अंदर जो ताक झांक है पार्ट 1 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे सियाल सीमा और नीफे दिया हुआ है। देखिए पृथ्वी की जब आंतरिक संरचना आप पढ़ेंगे, हालांकि ज्योग्राफी का बहुत डिटेल्स पार्ट हो जाता है, आपको इससे पता चलेगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुआ और इसके जो आंतरिक संरचना में क्या क्या चीज़ें हैं, है ना, किस चीज़ के आधार पर और किस चीज़ के अध्ययन करने के बाद हमें सब चीज़ की जानकारी मिलती है। तो हालांकि यहाँ पर हम लोग पूरा डिटेल्स बात नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग सिर्फ वही बात करें जहाँ से प्रश्न बन सके, है ना। तो जैसे मैं अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, जैसे ये हमारा पृथ्वी हो जाएगा अगर हम इसको देखें तो मात्र यही हम लोग पाठ करने वाले हैं, है ना। यही जो आंतरिक संरचना है हम लोग यही देखने वाले हैं और इसको तीन लेयर में बांट करके, तीन भागों में बांट करके हम लोग समझ सकते हैं। जैसे मैं अगर हम लोग बात करें तो इसी को देखिए यहाँ पर, है ना, अगर इसी को हम लोग देखते हैं तो ये देखिए ये हमारा एक तीन पार्ट हो जाता है, है ना, ये हो जाता है हमारा तीन पट। तो सबसे ऊपरी जो परत हो जाएगा पृथ्वी का, जो सबसे ऊपरी परत देखते हैं इसको हम लोग भूपरपटी बोलते हैं, है ना, भूपरपटी बोलते हैं, जिसकी अगर मोटाई की बात करें तो 34 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर तक है, है ना। ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये जो परत आप देख रहे हैं जो सबसे ऊपरी परत जो हो जाएगा हमारा, है ना, इसको 34 से 100 किलोमीटर के अराउंड में रखा गया है, इसको भूपरपटी बोलते हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर हम लोग बात करें तो ये सियाल, है ना, SIAL सिलिकन और एल्युमिनियम की जो मात्रा है यहाँ पे पाया जाता है, है ना, पूछा जा सकता है सियाल जो है कहाँ पे पाया जाता है, तो भूपरपटी हो जाएगा, है ना। और भूपरपटी के जैसे ही हम नीचे आएंगे इसको हम लोग मेटल बोलते हैं, है ना, मेटल बोलते हैं, ठीक है। ये दूसरा परत जो है हमारा मेटल हो जाएगा, और मेटल को हम लोग सीमा भी कह सकते हैं, सीमा, है ना, जैसे सिलिकन और एल्युमिनियम हो जाता है, यहाँ पे इसकी मात्रा प्रचुर मात्रा में यहाँ पे मिलती है। उसके बाद देखिएगा इसको हम लोग क्रोड बोलते हैं, जो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, है ना, इसको क्रोड बोलते हैं। और क्रोड की अगर बात करें तो 34 से अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 6370 किलोमीटर तक इसकी गहराई है, है ना। और यहाँ पर नीफे जिसको बोलते हैं हम लोग निकेल और फेरस, यहाँ पे इसकी प्रचुर मात्रा पाया जाता है, ठीक है। अब मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जैसे सियाल हो गया सिलिका और एल्युमिनियम, भूपरपट्टी का क्षेत्र हो जाएगा, सीमा सिलिका, और ये हो जाएगा मैग्नीशियम, है ना, मेटल में, और नीफे निकेल और फेरस, यानी कि अगर देखा जाए तो क्रोड में फेरस यानी कि लोहा का जो मात्रा है कभी कभी पूछा जाता है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है ना। यहाँ देखिए कहा जाता है कि पृथ्वी में प्रति 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री जो तापमान है
वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या कहता है कि पृथ्वी में प्रति 32 मीटर की गहराई जाने पर 1 डिग्री जो तापमान है क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही पृथ्वी से अगर ऊंचाई पे आप जाते हैं तो 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस जो है ना टेम्परेचर घट जाता है, है ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे नारियल का छिलका यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे पृथ्वी की जो त्रिज्या दिखाता है 6371, तो इतना सब कुछ याद अगर रखते हैं तो काम चल सकता है आपका, एक रिवीजन के तौर पे ही हम लोग देखेंगे। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। यहाँ पे चट्टान एवं खनिज कहता है, अगर हम चट्टानों का प्रकार देखें तो चट्टान 3 प्रकार का हो जाएगा, है ना। और वही चट्टान का जो प्रकार है उसी के बारे में कहता है कि आग्नेय चट्टान हो जाएगा और शादी चट्टान हो जाएगा, कायांत्रिक चट्टान कहें या रूपांतरिक चट्टान कहें, बात बराबर हो जाता है। अधिकतर हम लोग बात करें तो उदाहरण से सवाल पूछे जाते हैं, है ना। और शादी जो चट्टान है उसका उदाहरण क्या हो जाएगा, कायांत्रिक चट्टान है क्या उदाहरण हो जाएगा, आग्नेय चट्टान है इसका क्या उदाहरण हो जाता है, तो उदाहरण याद रखेंगे तो मुझे लगता है कि जो प्रश्न पूछा जाएगा आपसे बन जाता है, है ना। जैसे आग्नेय चट्टान की अगर बात करें तो बहिर्भेदी आग्नेय शैल अंतर्भेदी आग्नेय शैल हो जाते हैं, जैसे हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अगला हम लोग देखेंगे। यहाँ पे कहता है, देखिए यहाँ पे कहता है कि पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर से धरातल पर आने के क्रम में धरातल के निकट या धरातल के ऊपर जम जाता है, और इन दोनों अवस्थाओं के फलस्वरूप जो ठोस पदार्थ बनता है उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं, है ना। इसमें परत नहीं पाया जाता है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पूछा जा सकता है कि जो बेसाल्ट है, है ना, ऑब्सीडियन है, यह किस चट्टान का उदाहरण हो जाता है, है ना। यही सवाल आपसे पूछ देगा, यही सवाल आपसे पूछेगा कि बताइए ये जो बेसाल्ट है और ऑब्सीडियन है यह कौन सा चट्टान है, है ना। तो ये हो जाएगा आपका आग्नेय चट्टान, इसी चट्टान का उदाहरण है और इसी को याद रखना है, बहुत भिवियाई हो जाता है। और कहता है कि इसमें परत नहीं पाया जाता, है ना। जैसे बेसाल्ट और ऑब्सीडियन कौन सा चट्टान हो जाएगा, आग्नेय चट्टान हो जाएगा। और यहाँ पे कहता है कि दक्कन का जो पठार है बेसाल्ट चट्टान का उदाहरण है, है ना। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए दक्कन का जो पठार है बेसाल्ट चट्टान का क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाता है, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अगला जो पॉइंट है हमारा, औषधि चट्टान। आप लोग उदाहरण भी याद रखेंगे तो इससे बन जाएगा। जैसे औषधि चट्टान में हम लोग देखेंगे ये चट्टान जो है औषधों, है ना, के जमाव से बनता है, और ये चट्टान दो अवस्थाओं में बनती है, पहला पानी के अंदर या दूसरा पानी के बाहर। जैसे बालू पत्थर, है ना, बालू पत्थर सेल चूना पत्थर हो जाएगा, बालू पत्थर सेल या चूना पत्थर हो जाता है, ये भी पूछा जा सकता है ये किस टाइप के चट्टान का उदाहरण हो जाएगा, तो ये आपके औषधि चट्टानों का उदाहरण हो जाता है। अगला हम लोग देखेंगे, यहाँ पे पूछा जा सकता है कायांत्रिक चट्टान या रूपांतरिक चट्टान, तो ऊंच दाब या ताप पर प्रवर्तित करके जो बनता है, है ना, उसी को हम लोग रूपांतरिक चट्टान कहते हैं। उदाहरण के लिए संगमरमर चूना पत्थर अधिक दबाव तथा ताप पर संगमरमर बनता है, है ना। जैसे बहुत सारे उदाहरण आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे ताजमहल का जो रूपांतरिक चट्टान से जो बना है, है ना, ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ताजमहल जो बनाया गया है इसमें किन चट्टानों का इस्तेमाल किया गया है, है ना। तो आपका कौन सा हो जाएगा, कायांत्रित हो जाएगा, या हम इसको रूपांतरित चट्टान भी कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। टाइम आपके पास अगर होता तो पूरा डिटेल्स में ही पढ़ाया जा सकता था। चलिए और भी देखेंगे हम लोग। घर में सिलबट्टा देखते हैं या चक्री देखते हैं वो औषधि चट्टान का उदाहरण हो जाता है। जैसे जिस पे आप मसाला वगैरह पीसते हैं या कुछ गेहूं वगैरह भी बहुत पुराने ज़माने में लोग पीसा करते थे, वो जो उदाहरण है औषधि चट्टान का उदाहरण हो जाता है। अक्सर जो आपसे सवाल पूछा जाता है ग्रेनाइट ताप और दबाव के कारण जो है नाइश में बदल जाता है, अक्सर ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है, है ना, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कुछ। कहता है कि चट्टान के रूपांतरण में तापमान दाब एवं रासायनिक द्रव्य का योगदान रहता है, ठीक है।
और जो चट्टान ज्वालामुखी से निकले लावा के ठंडे होने से बनती है उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। ठीक है, आग्नेय चट्टान कहते हैं। जिस चट्टान में परत पाई जाती है वह औषधि चट्टान हो जाता है, ये भी VVI हो जाता है ना। जो याद रखना है आपको, जो इम्पोर्टेंट है वो हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि सेंधा जो नमक है वो किसका उदाहरण है, तो यही याद रखना है, औषधि चट्टान का। सेंधा जो नमक है किसका उदाहरण हो जाता है, किस चट्टान का उदाहरण हो जाता है, तो ये औषधि चट्टान हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रेनाइट जो नमक है ना, ग्रेनाइट हम लोग जो बोलते हैं वो किसका उदाहरण हो जाएगा, तो ये आपकी आग्नेय चट्टान का हो जाता है। अगर संगमरमर का जो पत्थर हम देखते हैं वो किसका उदाहरण हो जाएगा, तो कायांत्रिक चट्टान का हो जाता है, या हम लोग उसको रूपांतरिक चट्टान कहते हैं। उसके बाद पूछा जा सकता है कि साइनाइड है किसका उदाहरण है ना, आग्नेय चट्टान हो जाएगा ये। उसके बाद बेसाल्ट जो है अक्सर पूछा जाता है ना, बेसाल्ट जो है आग्नेय चट्टान का जो उदाहरण है बार बार पूछा जाता है। जैसे आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला जो है बलुआ पत्थर नामक किस चट्टानों से बना है, तो औषधि चट्टानों का इसमें इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ है ना। बस इतना, अगर इतना भी याद रहता है तो उम्मीद है प्रश्न नहीं छूटने वाला। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, अगला अध्याय हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तीसरा अध्याय हो जाता है। और तीसरा अध्याय में आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली आकृतियाँ यहाँ पे दिखाई जा रही है ना। तो देखिए, पहली बात तो कुछ चीज़ें किताबों में जो लिखा हुआ है अगर आप पढ़ेंगे, तो जैसे आंतरिक बल उससे बनने वाली जो आकृतियाँ हैं, जैसे भूकंप के बारे में देखेंगे तो पूछा जाता है अक्सर कि बिहार में सबसे भयंकर वाला भूकंप कब आया था, है ना। और यही हो जाता है जनवरी, आप 1934 में देखेंगे तो दरभंगा है सबसे ज़्यादा मतलब प्रभावित हुआ, लेकिन बिहार में सबसे भयंकर वाला भूकंप इस समय आया हुआ था। और आप 1993 में देखेंगे तो महाराष्ट्र के लातूर में आया, और 2001 में देखेंगे तो कच्छ भुज में जो गुजरात में है उसमें भूकंप आया। अक्सर आपसे यही सवाल पूछा जा सकता है ना, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे हम लोग ये पॉइंट हो जाएगा कि भूपरपट्टी में विभिन्न आकार की, है ना, भूपरपट्टी में विभिन्न आकार की छोटी एवं बड़ी किंतु कठोर संरचनाएं होती है जिन्हें प्लेट कहते हैं। और ये प्लेट क्या है, गतिशील है ना, ये क्या है, गतिशील हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग अगर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अगर पढ़ेंगे तब तो बहुत लंबा टाइम चला जाएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैंने उसको कंप्लीट कराया है, आप चाहें तो वहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन अभी कुछ मत पढ़िए। अभी जो नया है आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। अभी जो आपने पढ़ा है, जो आपके पास आपका खुद का नोट्स है, बार बार रिवीजन करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट है वो लगाइए, क्योंकि हम प्रैक्टिस सेट और भी थोड़ा सा ज़्यादा कोशिश करेंगे देने का, जो इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से संभावना बनता है कि शायद पूछा जा सके। तो कोशिश हमारा ये रहेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कराया जाए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है इस तरह से पढ़ने का। तो चलिए हम लोग देखते हैं भूकंप की तीव्रता जो है ना, पूछा जा सकता है कि किससे मापा जाता है। तो भूकंप की जो तीव्रता है सिस्मोग्राफ से मापा जाता है, और यह बहुत बार पूछा गया सवाल है ना, सिस्मोग्राफ से। रिक्टर पैमाना जो है भूकंप की तीव्रता नापने की इकाई हो जाती है। कौन सा, तो रिक्टर पैमाना, है ना, इस दोनों को याद रखिएगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे तो अधिकतर सवाल पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि हिमालय जो पर्वत श्रेणियां है या रॉकी है, आप बताइए इनमें से किन का उदाहरण हो जाता है। ऑप्शन में आपको दे देगा, भ्रंशोस्त पर्वत का उदाहरण है, वलित पर्वत का उदाहरण है ना, ऐसे उदाहरण आपको दे देंगे और पूछेंगे कि बताइए रॉकी जो पर्वत है वह किसका उदाहरण हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि वलित पर्वत का जो उदाहरण है वह हिमालय हो जाएगा और रॉकी हो जाएगा, है ना, याद रखिए। एक दो बार भी रिवीजन करते हैं तो उम्मीद है आप याद रखेंगे। वलित पर्वत का जो उदाहरण है हिमालय और रॉकी हो जाएगा, और भ्रंशोस्त पर्वत का जो उदाहरण है यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत हो जाएगा, और भारत का सतपुड़ा पर्वत हो जाता है ना, भारत का क्या हो जाएगा, सतपुड़ा पर्वत हो जाएगा, इसे याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। वलित पर्वत का उदाहरण हिमालय हो जाएगा, रॉकी हो जाता है, भ्रंशोस्त पर्वत का उदाहरण देखेंगे तो यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे भारत का सतपुड़ा का पर्वत हो जाता है।
यहाँ पे ज्वालामुखी पर्वत की अगर हम लोग बात करें तो जापान का जो फ्यूजियामा है वो हो जाएगा और अफ्रीका का किलिमंजारो हो जाता है ना। पूछा जा सकता है कि ज्वालामुखी जो पर्वत है ये किसका उदाहरण हो जाता है, तो जापान का जो फ्यूजियामा है ये उदाहरण हो जाएगा और अफ्रीका का जो किलिमंजारो है, जो पर्वत आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। आपसे और भी पूछा जा सकता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण क्या हो जाएगा, अरावली का पर्वत हो जाएगा और पारसनाथ की पहाड़ियाँ हो जाता है। इसे याद रखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। सबसे पहले वलित पर्वत हिमालय और रॉकी हो जाएगा। भ्रंशस्थ पर्वत का उदाहरण यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट और भारत का सतपुड़ा का पर्वत हो जाएगा। उसके बाद ज्वालामुखी पर्वत की बात करें तो जापान का फ्यूजियामा हो जाएगा और अफ्रीका का किलिमंजारो हो जाएगा। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण देखें तो अरावली का पर्वत हो जाएगा और पारसनाथ की पहाड़ियाँ हो जाता है। छोटा नागपुर एक क्या है, पठार हो जाएगा, है ना। छोटा नागपुर एक पठार है। भूकंप द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में क्या कहा जाता है ना। जब समुद्र में तूफान अगर आ जाए, समुद्र में अगर भूकंप आ जाए, उससे हम लोग क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। और भूकंप द्वारा उत्पन्न जो लहरों को जापान में, ये सवाल पूछा जा सकता है कि जापान में क्या कहा जाता है ना, उसको हम लोग सुनामी कहते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, अभी बहुत सारा टॉपिक है, समाप्त किया जाए उसको। कहते हैं कि दक्कन का पठार जो है यह किससे निर्मित हुआ, है ना। तो ये लावा द्वारा निर्मित हुआ है। कौन सा, तो दक्कन का पठार। दक्कन का पठार लावा निर्मित पठार हो जाता है। अगला अध्याय हम लोग पढ़ते हैं, भाग हमारा अध्याय जो है वो चार हो जाएगा। अध्याय चार है वायुमंडल और इसका संघटन हो जाएगा। ये 7th क्लास का ज्योग्राफी है, उसमें पूरा डिटेल्स इतना तो नहीं दिया, बट हम लोगों ने कोशिश किया जहाँ से सवाल पूछा जाता है उसको शामिल करने का। जैसे पूछा जाता है कि वायुमंडल में कौन सी गैस है जिनकी मात्रा सर्वाधिक है ना। ऑक्सीजन का मात्रा कितना हो जाता है, ऑक्सीजन के बाद किसका स्थान आता है ना, उसके बाद किसका स्थान आ जाता है गैस के क्रम में अगर पूछा जाए तो। जैसे वायुमंडल में अगर गैसों की बात करें तो लगभग 78% जो है सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है ना। और नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन लगभग 21% कहें या 20.99% भी कहें, ये दोनों आपको ऑप्शन सही हो जाता है। उसके बाद देखिएगा ऑर्गन जो है 0.93% या 0.94% ऐसे भी अगर ऑप्शन में आए तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद स्थान आपका कार्बन डाइऑक्साइड का आता है जो 0.03% है, और बाकी जितने भी आप देख रहे हैं हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, ये 0.01% है। अगर सबको ऐड करेंगे, अगर आप जोड़ेंगे तो 100% हो जाएगा, है ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है वायुमंडल हम देखेंगे, तो वायुमंडल में गैसों का जो सम्मिश्रण है, गैसों का जो विवरण है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक है ना। नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक लगभग 78% याद रखिएगा, है ना। ऑक्सीजन अगर हम लोग देखें, ऑक्सीजन की अगर मात्रा देखें तो लगभग 21% कहें या 20.99% कहें, इतना भी याद रखिएगा, है ना। उसके बाद ऑर्गन हो जाएगा 0.93% या 94%। उसके बाद हम लोग देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए क्रम में भी याद रखते हैं तो काम चलेगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, ये सब कर लीजिए। इस तरीके से अगर सब गैसों को ऐड करेंगे तो 100% हो जाता है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। देखिए कहता है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर सांस लेना कठिन हो जाता है ना, क्योंकि वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, हमने कहा कि पृथ्वी से जैसे ही हम लोग ऊंचाई पर चढ़ते हैं, 165 मीटर की ऊंचाई पर प्रत्येक औसत की बात करें तो 1 डिग्री जो सेल्सियस है वो टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, घट जाता है ना, ये घट जाता है। लेकिन अगर इस पृथ्वी के अंदर हम 32 मीटर की गहराई पे जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है यहाँ पे, है ना, ये बढ़ जाता है और यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जैसे ही हम ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की मात्रा जो लेवल है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग वायुमंडल की 5 परत यहाँ पर दिखाया गया है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके, है ना। सबसे पहला अगर हम लोग देखेंगे तो क्षुभ मंडल हो जाएगा, है ना। और क्षुभ मंडल में अगर देखा जाए तो जितने भी
जो समझिए कि जो व्यवहार है, मौसम संबंधी जो व्यवहार है, अधिकतर आपको शुभ मंडल में ही यह घटती है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं समताप मंडल हो जाता है। हालांकि समताप मंडल से आपसे सवाल यही पूछा जाएगा कि वायु वान चलाने के लिए सबसे बेहतर मौसम या सबसे अच्छा स्फीयर कौन सा माना जाता है ना, तो समताप मंडल हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे मध्य मंडल हो जाएगा, वाह्य मंडल हो जाता है और बहिर्मंडल हो जाएगा। इस तरीके से वायुमंडल को हम पांच परतों में बांट करके समझ सकते हैं, है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। जैसे में यहाँ पे देखते हैं, चलिए जैसे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ कहता है कि शुभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। औसत ऊंचाई अगर देखा जाए तो 13 किलोमीटर दिखा रहा है ना। और यहाँ पे देखिए शुभ मंडल की ऊंचाई व विस्तार सभी स्थानों पर एक समान नहीं है, है ना, एक समान नहीं होता है। वजह है, इसके पीछे इसके कारण है, ऊंचाइयाँ भी बहुत है, पहाड़ है, पठार है, पर्वत है, है ना, ये सब वजहों से एक समान ऊंचाई नहीं दिखता। और विषुवतीय क्षेत्रों में इसकी जो लंबाई है, है ना, लंबवत जो विस्तार देखते हैं, एवं ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन विषुवतीय क्षेत्रों में इसका विस्तार ज़्यादा दिखता है और ध्रुवीय क्षेत्रों में इसका विस्तार कम दिखता है। मौसम संबंधी जो घटना है इसी मंडल में होती है, और ऊंचाई बढ़ने पर तापमान क्या हो जाता है, घट जाता है, जो हम लोगों ने बात किया था, है ना। पूछा जा सकता है कि शुभ मंडल में क्या घटना घटती है, तो यही मौसम संबंधी जो घटना है यहीं पे घटता है। और जैसे ही यहाँ पे ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो हमारा जो टेम्परेचर है वो कम होने लगता है, है ना, कम होने लगता है। चलिए यही सवाल पूछेगा आपसे। अगला है समताप मंडल का आरंभ जो है शुभ मंडल के बाद होता है, है ना। और समताप मंडल में जो सवाल पूछा जाता है वायुयान को लेकर के, है ना, इसके लिए अनुकूल माना जाता है। इसके लिए क्या है, अनुकूल माना जाता है, इसलिए यहाँ से सवाल पूछा जाता है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, जैसे जैसे ऊपर हम लोग जाते हैं तापमान क्या है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तापमान क्या हो जाता है। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर घटता है, फिर बाद में बढ़ता भी है। तो यहाँ पे देखिए यार, कहते हैं कि समताप मंडल के ऊपर, है ना, समताप मंडल के ऊपर की अगर देखा जाए तो डॉबसन से ओजोन परत जो है वो मापा जाता है। समताप मंडल के ऊपर में ओजोन परत पाया जाता है जो पराबैंगनी किरण को क्या करता है, सोख लेता है, है ना। और पराबैंगनी किरणों में देखें क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन परत की क्या होती है, क्षति हो रही है, ठीक है। ओजोन परत को क्या होता है, क्षति हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इसको समाप्त किया जाए कम से कम, आपके पास टाइम है नहीं। और ये हम लोग देखते हैं मध्य मंडल हो जाता है हमारा, मध्य मंडल। और मध्य मंडल में देखिए कहता है कि मध्य मंडल यह मंडल अंतरिक्ष से आने वाली उल्का पिंडों से हमारी क्या करता है, रक्षा करता है, मध्य मंडल। और आयन मंडल की बात करें या वायुमंडल की बात करें तो पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इसी से परावर्तित होकर के हमारे पृथ्वी पर पहुंचती है, है ना। और बहिर्मंडल की बात करें तो सबसे ऊपरी परत होती है, इसमें हल्की गैस जैसे हीलियम हाइड्रोजन की मात्रा पाया जाता है, है ना, बहिर्मंडल में। वायुमंडल का विस्तार देखें तो पृथ्वी की सतह से 1000 किलोमीटर तक है, और वायुवान जो है समताप मंडल में उड़ता है, जो हम लोगों ने इसका चर्चा किया। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखिए कहता है कि ग्रीन हाउस गैस, देखिए ग्रीन हाउस गैस की अगर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, वाष्प हो जाता है, और ओजोन हो जाता है। अगर पूछे आपसे तीन की मात्रा ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक हो जाती है, है ना। आगे देखते हैं हम लोग, यह कहता है कि बिन पानी सब सोना, है ना, ये बिन पानी सब सोना है। इस चैप्टर को भी ख़त्म किया जाए, इसमें बहुत सारे अभी अध्याय हैं, अध्याय नंबर हम लोग 5 करने वाले हैं, बिन पानी सब सुना। इसमें देखिए पूछा जाता है कि पृथ्वी पे जल मंडल कितने परसेंट है, है ना, तो यहाँ पे 71% हो जाता है, ठीक है। और 29% जो है ये आपका अर्थ हो जाएगा, है ना। यही सवाल पूछता है, कहता है कि मुंबई जो है अरब सागर के तट पर है। आपसे कभी पूछ दे कि मुंबई किस सागर के तट पर है तो अरब सागर के तट पर हो जाता है। और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से जल ऊंचाई की ओर बढ़ता है, जिसे हम लोग ज्वार कहते हैं, है ना। जैसे मानते हैं कि कभी कभी क्या होता है, आगे बढ़ रहे हम लोग, जैसे देखिएगा
सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सिद्ध में होती है उसके कारण सबसे ज़्यादा ज्वार भटाता है। तो समुद्र की जो पानी है कभी कभी देखिए बहुत ऊंचाई पे उठे उसको हम लोग ज्वार कहेंगे, उठ रहा है उसको हम लोग ज्वार कहेंगे और गिरा उसको हम लोग भाटा कहते हैं, है ना, इसलिए ज्वार भाटा ही हो जाता है। तो जैसे अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो ज्वार भाटा जो महासागरीय जल का उठना और समुद्र में क्या होता है, ज्वार भाटा का समुद्र में आना जाना ये लगा रहता है ना। ये ज्वार भाटा जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये समुद्र में ऐसी घटनाएं जो है होते रहती है। और सबसे ऊंचा अगर ज्वार की बात करें भारत में तो ओखा में आता है ना, सबसे ऊंचा जो ज्वार है वो ओखा में आएगा। और ओखा जो है आपको गुजरात में हो, गुजरात में है, गुजरात में है ना। अमेरिका में अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में देखिएगा अगर हम लोग तुलना करते हैं ओखा से, तब बी ऑफ फंडी से हम लोग कभी कभी करते हैं, जो संसार में सबसे ज़्यादा ये कहा जाता है कि वहाँ पे ज्वार भटाता है ना। यहाँ पे देखिए पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी एक सीध में होता है जिसके कारण उच्च ज्वार है ना, उच्च ज्वार की संभावना बनती है और उस दिन उच्च ज्वार आता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अक्सर सवाल पूछे जाते हैं बुल्लर झील कहाँ पे है। तो बुल्लर झील आपको जम्मू कश्मीर में हो जाता है ना। बुल्लर झील आपको जम्मू कश्मीर में है, पूछा जाता है पिछोला झील कहाँ पे है तो राजस्थान में हो जाता है। और लूनर जो झील है महाराष्ट्र में है, जो खारे पानी का झील है। कोलेरू झील की बात करें तो अक्सर ये सवाल पूछा गया है कोलेरू को लेकर के, और ये जो कोलेरू है आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। फतेह सागर झील जो है राजस्थान में है, और शांभर झील अगर देखें तो ये भी राजस्थान में है। और डल झील की बात करें तो श्रीनगर में है, और कांवर झील जो है बेगूसराय में है। और यही कांवर झील जो है ये बिहार का पहला रामसर साइट है ना, पहला रामसर साइट हो जाता है। रामसर साइट अगर भारत की बात करें तो भारत का 39वां रामसर साइट हो जाएगा, है ना, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे बुल्लर झील की बात करें तो बुल्लर झील कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में, पूछा जाता है बुल्लर झील कहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे पिछोला झील जो है राजस्थान में है, लूनर की बात करें तो महाराष्ट्र में है, जो खारे पानी की झील के लिए फेमस है। और कोलेरू जो झील है जो पूछा जाता है आपसे बोध भी आई है, आंध्र प्रदेश है, और मीठे पानी का सोर्स यहाँ पर मिलेगा। फतेह सागर जो झील है राजस्थान में है, और यहाँ पर सांभर झील जो देख रहे हैं आप राजस्थान में हो जाता है। और डल झील जो है श्रीनगर में है, और ये जो कांवर झील देख रहे हैं ये बिहार में पड़ेगा, बिहार के बेगूसराय में यह स्थित है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए बरेला झील जो आप देख रहे हैं, बरेला झील, यह बरेला झील आपको वैशाली में है ना। बरेला झील कहाँ पे है, वैशाली में हो जाएगा, तो इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बरेला झील और कांवर झील जो है इसे याद रखिए वैशाली में है। और ज्वार भाटा प्रतिदिन दो बार आता है, अगर पूछे कि ज्वार भाटा प्रतिदिन कितनी बार आता है तो दो बार हो जाएगा, है ना। वाटर हार्वेस्टिंग की अगर बात करें यहाँ पे, वाटर हार्वेस्टिंग की है ना, तो तरुण भारत संघ का निर्माण राजेंद्र सिंह ने किया था, है ना। और राजेंद्र सिंह को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला, और जल संरक्षण के लिए 2001 में पुरस्कार मिला था इनको, है ना। और यहाँ पे देखिए मानसरोवर झील से निकलने वाली जो नदियाँ है, अक्सर ये पूछा जाएगा, आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ से देखिए, यहाँ से सवाल पूछा जाता है, पूछा जाएगा कि मानसरोवर झील से निकलने वाली जो नदियाँ है कौन कौन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, है ना, सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र हो जाएगा जो मानसरोवर से निकलता है। और 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, है ना, 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। हम लोगों ने अभी वाटर हार्वेस्टिंग पढ़ा, तो देखिएगा राजेंद्र सिंह को है ना वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसे याद रखिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना। राजेंद्र सिंह को वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और यहाँ पे देखेंगे तो तरुण भारत संघ की जो स्थापना हो 1975 में स्थापित होता है, तरुण भारत संघ की स्थापना 1975 में होता है ना। तो देख लीजिए इम्पॉर्टेंट है, 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस, और राजेंद्र सिंह को क्या कहा जाता है ना, वाटरमैन भी कह सकते हैं, वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है ना। और तरुण भारत संघ की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1975 में हुआ था। तो चलिए हम लोग अगला वीडियो हम लोग 6 से करेंगे, और आज ही कंप्लीट कराएंगे आपको,
दो चार जितने में भी होता है आज कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि अभी बहुत सारा चीज़ें हैं और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अब प्रैक्टिस सेट पे फोकस करेंगे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप लोगों को।